गुड आफ्टरनून बच्चों। बस अच्छा बच्चों, वो आपको मैसेज करवाया था, मतलब इफ एनीबडी इज इंटरेस्टेड इन गिविंग द टेस्ट ऑफलाइन ऑन संडे, वो आपके ग्रुप पे मैसेज आया हुआ है ना, तो यू कैन सबमिट दैट फॉर्म एंड अपलोड द कंसेंट लेटर। वो जरूरी है, उसके बिना नहीं अलाउड होगा आपको। सर नेक्स्ट टेस्ट से सोचे कि ऑफलाइन देंगे, तो सर नेक्स्ट टेस्ट के लिए भी अभी फॉर्म फिल कर दें? हाँ, बस मतलब एक बार कर दो बस। ठीक है सर। नहीं, देर इज नो ट्रांसपोर्ट, खुद से आना पड़ेगा। नहीं, आपको वो लेटर मतलब स्कैन करके वहां अपलोड कर देना है उस गूगल फॉर्म में। हाँ, बस एक बार शुरू करते हैं अभी, फिर देखते हैं क्या क्या पॉसिबिलिटीज बनती हैं। मतलब अभी तो यही होगा, टेस्ट और डाउट प्लस। वैसे तो मतलब लॉकडाउन में कोई रिलैक्सेशन नहीं है टिल 30th नवंबर। दामिनी, आप कौन सी क्वेरी की बात कर रहे हो, मतलब ऑनलाइन टेस्ट ऑफलाइन टेस्ट? रिवीजन प्लान अभी नहीं होगा शेयर, वो तो बाद में ही होगा। मतलब मैंने आपको वैसे बताया था कि बन गया है, अभी क्या करोगे उसका? टेस्ट कब से शुरू है सर? रिवीजन टेस्ट, रिवीजन वाले सर रिवीजन वाले शुरू होंगे आपके, मैंने जो आपको वीक बताया था उसका, जो संडे आएगा। आप 20th नवंबर की बात कर रहे थे। हाँ, मतलब कि मैं आपको फिजिक्स में, वैसे अगर मतलब इफ यू वांट आइडिया, तो ऐसा होएगा कि मतलब 11th 12th इकट्ठी चलेगी, 11th का 1st चैप्टर, 12th का 1st चैप्टर, ऐसे ऐसे ही केमिस्ट्री में भी इकट्ठे होगा, मतलब सम पार्ट ऑर्गेनिक, सम पार्ट इनऑर्गेनिक, इस तरह से। यस, मतलब अगर आप आईक्वेस्ट आ रहे हो तो आपको वो फॉर्म फिल किया होना चाहिए, तभी आ सकते हो, अदरवाइज यू कांट। कोई नहीं, अभी रिवीजन की चिंता मत करो बच्चों, अभी तो टाइम है। चलो बच्चों, इसमें बी पार्ट में बताओ, एनी डाउट्स? एक तो ये करेक्शन कर लो, फर्स्ट क्वेश्चन में ये 0.125 की जगह 0.025 आएगा।
हाँ जी, और बच्चों करा नहीं है क्या काम? अच्छा हाँ बच्चों, किया कि नहीं काम? सर जो क्वेश्चंस में सर ये ऐसे लिखा हुआ कि फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा और मैक्सिमा, सर इनके एक बार मीनिंग बता दो। हाँ, मतलब फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा का मतलब एन को वन डालना, मतलब ऑर्डर का मतलब एन की वैल्यू होता है। हाँ जी सर, वो तो ठीक है, लेकिन मैक्सिमा और मिनिमा वर्ड का क्या मतलब है? मैक्सिमम मतलब ब्राइट फ्रिंज, मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। मिनिमा मतलब डार्क फ्रिंज। ओके सर, वो एन लैम्डा और एन -1/2 लैम्डा का फर्क आ जाएगा। हाँ, जैसे ठीक मान है लो सर। 7th क्वेश्चन है, इसमें आपको क्या कहा है कि मैक्सिमम इज फॉर्म्ड जस्ट ऑपोजिट टू ईच स्लिट, राइट? हाँ जी सर। तो मतलब बेसिकली वो ब्राइट फ्रिंज की बात कर रहे हैं कि स्लिट के ऑपोजिट बन रही है ब्राइट फ्रिंज, तो इसका मतलब एन की वैल्यू क्या हुई? अगर सर अपोजिट टू ईच स्लिट का मतलब दो स्लिट्स के मतलब दोनों पे ब्राइट फ्रिंजेस पड़ रही है। हाँ, तो इसमें सोचे हम क्या मतलब हुआ इसका, अगर हम YDSC वाला। ये है, तो हमें ये कहा है कि इसके जस्ट सामने ब्राइट फ्रिंज बन रही है, ये Y की क्या वैल्यू हो गई बच्चों? dn लैम्डा बाय स्मॉल d। मतलब हाँ, और ये वैसे क्या हो गया, ये D/2 हो गया ना, हाँ जी सर। तो ये हमारे पास बन गया D/2 इज इक्वल टू एन लैम्डा D/D। ना, तो बस इससे हम एन निकाल लेंगे। ऑर्डर पूछा है, ऑर्डर का मतलब एन की वैल्यू। ओके सर। सर ये चीज जरूरी होती है कि जो सोर्स हमने मेन सोर्स लिया था पहले, जिससे बाद में स्प्लिट्स के थ्रू गया लाइट गई है सर, वो सोर्स जो दो वो लो कि वो डिस्टेंस हाफ ही होगा हमेशा। हाँ, मतलब वो हमने ये जो सेंट्रल लाइन है उसके ऊपर ही रखा होगा, ये जरूरी है। ठीक है सर। जैसे 9th क्वेश्चन में आपको कहा है मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ऑन स्क्रीन हैविंग 75% ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी। तो बच्चों सबसे पहले तो अगर हम इंटेंसिटी आई मानते हैं, राइट, कि लेट इंटेंसिटी ऑफ ईच स्लेट बी आई, तो मैक्सिमम इंटेंसिटी क्या हो गई? फोर आई है ना, √I1 + √I2 का होल स्क्वायर। अब हमें क्या चाहिए? हमें देखो बच्चों, एक तो ये पता चल रहा है क्वेश्चन से क्लियरली कि अब ये जो हमें पॉइंट चाहिए ना तो मैक्सिमम वाला है ना मिनिमम वाला है, कुछ अलग सा ही पॉइंट है। 75% इंटेंसिटी, इसका मतलब कि हमें बेसिक से सॉल्व करना पड़ेगा, सीधा फॉर्मूला से तो नहीं होगा। मतलब हमें ब्राइट और डार्क का तो सीधा सीधा ही पता है, तो अब हमारी रिक्वायर्ड इंटेंसिटी क्या हो गई इसका? 75% मतलब 3I। तो अब हम क्या करेंगे, 3I = I + I + 2√I1I2, तो वो आई आ गया cos∆ϕ।
तो यहां से हमारे पास कॉस डेल्टा फाई की वैल्यू आ गई हाफ। ठीक है, तो अब इधर से क्या पता चला, डेल्टा फाई की क्या वैल्यू हो सकती है? 60 हो सकती है बच्चों, और 300 भी हो सकती है। ये समझ आ रहा है बच्चों कि 300 पे भी कॉस डेल्टा फाई हाफ ही होता है? अब डेल्टा फाई क्या होता है? 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। तो डेल्टा एक्स क्या हो गया? डी वाई बाई डी। तो ये वैल्यू 60 हो सकती है और 300 हो सकती है ना? मुझे बच्चों फटाफट इससे बताओ कि वाई की दो वैल्यूज क्या आ सकती हैं यहां से। आपको अभी समझ आएगा कि मैं ये दो वैल्यूज क्यों निकलवा रहा हूं। फटाफट बताओ मुझे। इसमें किसी भी स्टेप में कोई कंफ्यूजन है प्लीज आस्क मी। क्या हुआ, कर रहे हो कि नहीं? बच्चों आवाज आ रही है मेरी? तो ऊपर वाले से जो 60 और 300 के करस्पॉन्डिंग वाई की वैल्यूज हैं वो बताओ भाई मुझे। नहीं नितेश, ये नहीं आती।
इसमें इतना क्या मुश्किल है भाई? तो इसमें आपकी एक वैल्यू आएगी 0.1 mm और दूसरी आएगी 0.5 mm, ठीक है? तो इसका मतलब बच्चों जो हमारा स्क्रीन है ये बन गया y इक्वल टू जीरो, तो एक तो हमारे काम का पॉइंट है 0.1 mm पे, और दूसरा है 0.5 पे। अब मुझे ध्यान से सोच के बताओ, क्वेश्चन में कहा है मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ऑन द स्क्रीन हैविंग 75% इंटेंसिटी ऑफ द मैक्सिमम इंटेंसिटी। तो ध्यान से जो मैंने बनाया है उससे बताओ मुझे कि क्या आंसर होना चाहिए हमारा। एक याद करो, पिछली क्लास में मैंने क्या बताया था आपको कि भाई जैसा ऊपर बनता है बिल्कुल वैसा ही नीचे भी बनता है, तो यहां पे भी बनेंगी बच्चों, एक 0.1 पे और एक 0.5 पे। तो भाई मिनिमम डिस्टेंस कितना हो गया? 0.2 हो गया, है ना? तो इस क्वेश्चन में बच्चों हमें चेक करना पड़ेगा कि मतलब ये तो बाय चांस इसमें ये वाली वैल्यूज थी तो ऐसा आ गया, हो सकता है किसी और केस में दूसरे वाला भी आ सकता हो। समझ आया मैंने कैसे चेक किया? स्क्रीन के एक ही साइड पे दोनों फ्रिंजेस के बीच में डिस्टेंस एंड स्क्रीन के ऑपोजिट साइड्स पे दोनों फ्रिंजेस के बीच में डिस्टेंस, तो जो भी कम हुआ वो आंसर हो गया, क्योंकि क्वेश्चन में तो ये लिखा है कि कम वाला डिस्टेंस बताओ, ये तो उन्होंने कहा नहीं कि सेम साइड पे या ऑपोजिट साइड पे, तो इसलिए हमारा आंसर 0.2 हो गया। बच्चों ये समझ आ गया सबको? तो ये क्वेश्चन बच्चों दो रीजन से इंपॉर्टेंट बन जाता है। एक तो सबसे पहले इसमें बेसिक मेथड यूज हुआ, सीधा ब्राइट फ्रिंज या डार्क फ्रिंज का रिजल्ट नहीं यूज हुआ, और दूसरा फिर ये भी चेक करना पड़ेगा कि स्क्रीन के सेम साइड वाला लेना है या ऑपोजिट साइड वाला लेना है, ठीक है? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, मैं बच्चों अभी एक्सरसाइज वन नहीं कर रहा, थोड़ा सा मतलब आपको आइडिया लग गया, एक बार इसके बेसिस पे फिर ट्राई करना। लास्ट टाइम बच्चों हमने यहां तक किया था, सर हाँ जी, ये जो हम अभी क्वेश्चन हमने डिस्कस किया है, हमें ये पता है कि पार्थ डिफरेंस जो हमारा डी साइन थीटा निकल के आता है और थीटा बहुत ज्यादा स्मॉल होता है तो हमें डी थीटा ही लिख सकते हैं उसको। तो डी थीटा थीटा जो है वो वाई के प्रोपोर्शनल आ जाएगा, यस, तो ऑब्वियसली जो फेज डिफरेंस है वो भी प्रोपोर्शनल है, तो जितना फेज डिफरेंस है वो भी वाई के प्रोपोर्शनल आ जाएगा डायरेक्टली। तो अगर हमें पता है कि दो फ्रिंजेस डार्क और उसके फ्रिंज में 0.3 का फर्क है, और तो हम बता ही सकते हैं कि अगर उसमें 60 डिग्री चाहिए तो 0.1 का आ रहा होगा, 180 पे 0.3 का फर्क है वाई डी बाई टू डी, तो 180 साठ पे डिग्री क्या पे 1/3 क्या आ रहा होगा उसका।
180 डिग्री पे एक लाइट बैंड से दूसरा चला जाता है ना फेज में, हाँ ठीक है। लाइट से डार्क हो जाता है, तो वो 0.3 है अगर YD बाई 2D, तो हमें पता है कि 60 पे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो 0.1 होगा, तो सीधा 0.2 अगर हम बोल दें। बोल सकते हो। ठीक, यही पूछना था, हम प्रोपोर्शनलिटी मान सकते हैं ना। हाँ ठीक, बच्चों, लास्ट टाइम हमने यहाँ तक किया था। तो हमने लास्ट टाइम जो YDSC का सेटअप था उसमें हमने ये देख लिया था कि ब्राइट फ्रिंजेस और डार्क फ्रिंजेस के क्या कोऑर्डिनेट्स बनते हैं। हमने ये भी समझ लिया था कि y इक्वल टू जीरो जो है, मतलब जो सेंटर है स्क्रीन का, वहां पे ब्राइट फ्रिंज बन रही है। ठीक है, तो उसके अलावा जैसा कुछ स्क्रीन के ऊपर बनेगा बिल्कुल वैसा कुछ स्क्रीन के नीचे बनेगा। ठीक है, तो अगर हम इसको ड्रॉ करें सिचुएशन को कि स्क्रीन पे क्या नजर आएगा, तो देखो ये कुछ इस तरीके का बन जाएगा। मैं एक मिनट बच्चों इसका फिलहाल के लिए बैकग्राउंड चेंज कर रहा हूं। तो जैसे हमने कल जो फिगर बनाया था उसमें रेड लाइट यूज की थी, तो वाई इक्वल टू जीरो पे हमें मिल गई ब्राइट रेड लाइन। ठीक है, उसके बाद वाई इक्वल टू लैम्डा डी पे मिल गई ब्राइट रेड एंड सो ऑन। बिल्कुल ऐसे ही हमें नीचे मिल गई, और लैम्डा डी बाय 2D, 3 λ d/2D पे हमें मिल गए डार्क फ्रिंजेस। तो जिस डिस्टेंस पे ऊपर मिले हैं बिल्कुल उसी डिस्टेंस पे हमें नीचे भी मिल गए। तो ये स्क्रीन पे हमें कुछ इस तरीके का नजर आएगा। ठीक है, मैंने वो जो डार्क मोड से क्यों चेंज किया आप समझ गए होंगे। बेसिकली आई वांटेड टू शो डार्क फ्रिंज, ब्लैक दिखाना था मुझे। तो ये ड्रॉ कर लो बच्चों। तो बेसिकली बच्चों जब ये ऑब्जर्वेशन मिली हमें, तो यहां से पता चला कि भाई अगर हम सिंपल रेस की फॉर्म में मानते लाइट को, तब तो हम किसी भी तरीके से इस फिगर को एक्सप्लेन नहीं कर सकते थे, है ना, कि हम ये कैसे कहते कि एक जगह पे दो लाइट रेज हैं और रिजल्टिंग वहां पे डार्क है, कुछ लाइट ही नहीं है वहां पे। तो ये तभी समझ आता है इफ वी कंसिडर द वेव नेचर ऑफ लाइट। ये बच्चों फिगर सबको समझ आ रहा है? तो अगर बच्चों मैं बिल्कुल एग्जैक्ट बात करूं, ये तो मैंने सिर्फ ब्राइट डार्क दिखाए हैं, तो ये एक्चुअली इस तरीके का फिगर बन जाता है। तो बेसिकली क्या होता है कि बिल्कुल सेंटर पे ब्राइट होगा, वो ब्राइटनेस कम होती जाएगी, फिर डार्क आ जाएगा, फिर डार्क से ब्राइटनेस बढ़नी शुरू हो जाएगी, फिर बिल्कुल ब्राइट आ जाएगा। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि फिगर में मतलब हमारे को सिर्फ ये लाइंस ही नजर आएंगी, वो लाइंस तो एक्सट्रीम्स हैं, बिल्कुल ब्राइट और बिल्कुल डार्क, उनके बीच में क्या हो रहा होगा, इंटेंसिटी ग्रेजुअली चेंज कर रही होगी। जैसे हमने अभी क्वेश्चन भी किया कि हमने एक पॉइंट ढूंढा जहां पे इंटेंसिटी 75% हो गई, तो ब्राइट फ्रिंज का मतलब है जहां मैक्सिमम है, डार्क का मतलब है जहां मिनिमम है, तो वो इंटेंसिटी ब्राइट से डार्क ग्रेजुअली चेंज कर रही होती है।
तो बच्चों हम अगली टर्म डिफाइन करते हैं फ्रिंज विड्थ, इसको हम बीटा से डिनोट करते हैं। फ्रिंज विड्थ का मतलब होता है कोई भी दो ब्राइट फ्रिंजेस के बीच में डिस्टेंस, या फिर कोई भी दो डार्क फ्रिंजेस के बीच में डिस्टेंस। तो जैसे जो ऊपर वाला फिगर है अपना, उसमें अगर हम कोई भी दो रेड लाइंस या फिर कोई भी दो व्हाइट लाइंस के बीच का अगर डिस्टेंस लें, उसको हम कहते हैं एज फ्रिंज विड्थ। तो ये कितना हो गया बच्चों, फिगर से बताओ मुझे फ्रिंज विड्थ की वैल्यू। So this value becomes lambda d by d. ठीक है, ये समझ आ गया बच्चों? नेक्स्ट हम टर्म डिफाइन करते हैं। ये बच्चो एक ध्यान रखना बहुत, कहां कैपिटल डी है कहां स्मॉल डी है, उल्टा मत लिख देना। ये अभी इसी साल नीट में आपका कोई सीनियर अच्छी रैंक वाला ये गलती करके आया, ऊपर स्मॉल डी लिख दिया नीचे कैपिटल डी लिख दिया। तो ये बच्चों हमने फ्रिंज विड्थ डिफाइन की है, समझ गए ना, डिस्टेंस बिटवीन टू ब्राइट फ्रिंजेस या टू डार्क फ्रिंजेस। नेक्स्ट हम डिफाइन करते हैं बच्चों एंगुलर फ्रिंज विड्थ। एंगुलर फ्रिंज विड्थ का मतलब है बस कि ऐसे कि कोई भी दो ब्राइट फ्रिंजेस ने कितना एंगल सबटेंड किया हुआ है। ये कहां पे सबटेंड किया हुआ है, वो जो स्लिट्स का सेंटर है। तो इसमें वही वाला फॉर्मूला लग गया, थीटा इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। तो आर्क लेंथ क्या हो गई, बीटा। ये जो लेंथ है ये बीटा हो गई, और डिस्टेंस कितना हो गया, कैपिटल डी। तो ये जो एंगुलर फ्रिंज विड्थ है इसका फॉर्मूला बन गया लैम्डा अपॉन स्मॉल डी। ये समझ आ गए बच्चों टर्म? एक बार दोबारा से बता दो सर। एंगुलर फ्रिंज विड्थ का मतलब है कि वो जो दो फ्रिंज, कोई भी दो फ्रिंजेस स्लिट्स के सेंटर पर कितना एंगल सबटेंड कर रही हैं। तो वो एंगल क्या बन जाएगा, आर्क अपॉन रेडियस। तो ओके सर, उससे निकाला हमने। हाँ, एंगुलर फ्रिंज विड्थ की वैल्यू तो सेम ही आएगी ना, मतलब ये अगेन, मतलब कोई भी दो ब्राइट या दो डार्क के लिए निकाला है हमने। नेक्स्ट बच्चों हम बात करेंगे कि स्क्रीन के ऊपर टोटल नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस कितनी बनेंगी। ठीक है, तो ये बच्चों मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बट फाइनली हमें बस फॉर्मूला याद रखना है, मतलब ये जो प्रूफ है इसका थोड़ा सा मैथमेटिकल है, तो हमें सिर्फ फॉर्मूला ही याद रखना है। तो पहली बात तो ये है बच्चों कि जैसे जैसे हम स्क्रीन से दूर जाएंगे तो हमारी वाई स्मॉल वाली अप्रोक्सीमेशन गलत हो जाएगी, है ना। तो
तो हम सीधा वो फॉर्मूला नहीं लगा सकते, हमें बेसिक से चलना पड़ेगा। देखते हैं ये रिजल्ट कैसे बनता है। तो हम लिखते हैं डेल्टा एक्स को डी साइन थीटा। अब मैं इसको डी वाई बाई डी नहीं लिख सकता, डी साइन थीटा तो लिख सकता हूँ। तो दैट इज इक्वल टू एन लैम्डा, राइट। तो अब मैं लिख सकता हूँ साइन थीटा को एज एन लैम्डा बाय स्मॉल डी, जो कि मुझे पता है कि लेस देन इक्वल टू वन होना चाहिए, है ना। साइन थीटा की वैल्यू तो वन से छोटी हो सकती है। तो यहां से मुझे ये पता चल गया कि जो एन है इट हैज टू बी स्मॉलर देन और इक्वल टू डी बाय लैम्डा। क्या ये बात समझ आती है बच्चों? एंड वही हो सकता है जो डी बाय लैम्डा से छोटा हो। तो मतलब जैसे बच्चों ऐसे समझो, अगर फॉर एग्जांपल आपका डी बाय लैम्डा 3.4 आ गया, तो मतलब आप एन को कितना ले सकते हो? अगर डी वाई लैम्डा आपका 3.4 है तो मतलब आप एन कितना ले सकते हो? थ्री और लेस, है ना। तो n की वैल्यूज क्या हो गई? 1, 2 और 3 हो गई। तो इसका क्या मतलब हुआ? तीन फ्रिंजेस ऊपर बनेंगी, तीन फ्रिंजेस नीचे बनेंगी और एक जीरो वाली सेंट्रल जो है, है ना। तो टोटल कितना हो गया? 7 हो गया। समझ आया बच्चों? 7 कैसे बना? 3 ऊपर, 3 नीचे और एक सेंटर वाली। तो इसको हम इस फॉर्म में लिखते हैं। तो ये जो स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं बच्चों, ये डिनोट करते हैं एक मैथमेटिकल फंक्शन जिसको हम कहते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो जैसे अगर मैं 5.6 के आगे ये लगा देता हूँ स्क्वायर ब्रैकेट्स, तो इसका मतलब है कि ऐसा इंटीजर जो 5.6 से जस्ट छोटा है, तो ऑब्वियसली वो 5 हो गया। तो हमारा फॉर्मूला क्या बन गया? 2 into, तो इतने एक साइड पे बनेंगे, है ना। तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा? 2 into ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ डी बाय लैम्डा प्लस 1। तो ये फॉर्मूला है। एक्सक्यूज मी सर, यस, यहाँ पे इक्वालिटी क्यों मानी है हमने? अभी उसको थ्री होता, मतलब अगर थ्री होता, आ रहे हैं उसमें। हाँ, तो जैसे अगर 5.6 होता डी बाय लैम्डा, तब क्या आंसर हो जाता? 11 हो जाता। यस, ये सबको समझ आ गया?
हाँ ये प्लस वन क्योंकि है मिडल वाले को इंक्लूड करने के लिए, एन इक्वल टू जीरो वाले को इंक्लूड करने के लिए। हाँ जी सर जब हमने कल एक क्वेश्चन किया था सर, उसमें हमने कहा था उसमें टोटल नंबर ऑफ राइट फ्रिंजेस पूछा हुआ था, तो सर हमने उसमें कहा था कि जो ओरिजिन वाला होता है सर उसको इंक्लूड नहीं करते। नहीं नहीं वो तो उस क्वेश्चन में वैसे कंडीशन लिखी हुई थी, ये कोई ऐसे जनरल कंडीशन नहीं है, वो तो उस क्वेश्चन में लिखा हुआ था बस। और सर अगर क्वेश्चन में ना लिखा हो मतलब एक्सक्लूडिंग ओरिजिन तो सारे पॉइंट्स ही करेंगे ना। हाँ हाँ वो कोई रूल नहीं है। अब बच्चों इस फॉर्मूला में एक प्रॉब्लम है, जैसे मान लो अगर d बाय लैम्डा लेट अस से 3 होता एग्जैक्ट, ठीक है, तो जो तो इस फॉर्मूला के हिसाब से कितनी फ्रिंजेस बन जाएंगी अगर d बाय लैम्डा एग्जैक्ट 3 होता, एक बार सोचो। इस फॉर्मूला के हिसाब से तो 7 ही बन जाएगा, ठीक है। अब ये सोचो जो n इक्वल टू 3 वाली बन रही है, n इक्वल टू 3 वाली पे थीटा कितना हो जाएगा, नाइन्टी हो जाएगा ना। साइन थीटा को एन लैम्डा बाय डी पुट करो, उसमें एन को 3 पुट करो, लैम्डा बाय डी क्या बन गया 1/3, तो वो बन गया थीटा इक्वल टू 90। बच्चों ये समझ आ रहा है? तो अब क्या थीटा 90 हो सकता है? अपने फिगर से देखो आईडीएससी वाले से, थीटा 90 हो जाएगा तो फिर तो पॉइंट स्क्रीन पे ही नहीं आएगा, है ना। तो हमें इसमें एक वो स्पेशल केस बनाना पड़ेगा कि अगर डी बाय लैम्डा इटसेल्फ एक इंटीजर है, राइट, जैसे मैंने अभी बोला कि डी इक्वल टू 3 लैम्डा हो गया, तो फिर हमें बिल्कुल एक्सट्रीम वाली जो बन रही है उनको एक्सक्लूड करना पड़ेगा क्योंकि वो तो इन्फिनिटी पे बन रही है। तो फिर ऊपर वाले में से कितना माइनस करना पड़ेगा, 2 माइनस करने पड़ेंगे ना दोनों साइड के एक एक एक, तो फिर क्या फॉर्मूला बन जाएगा ऊपर वाले रिजल्ट से, 2 माइनस कर दो है ना, तो ये -1 बन जाएगा। तो बच्चों ये बहुत ध्यान रखना है, एंड बाई चांस इस पे बेस्ड कभी क्वेश्चन नहीं आया है कि कब ऊपर वाला फॉर्मूला लगेगा और कब नीचे वाला लगेगा। तो इस पे बेस्ड आईआईटी में आया हुआ है तो विच मेक्स इट इवन मोर इम्पोर्टेंट। मतलब चक्कर क्या है कि जो ऊपर वाला फॉर्मूला है वो तो हर जगह लिखा हुआ है, नीचे वाली एक्सेप्शन जनरली कहीं मेंशन नहीं है। ठीक है जी, समझ आ गया बच्चों? प्लीज ध्यान रखना और प्लीज ये स्क्वायर ब्रैकेट को याद रखना, ऐसा ना हो कि बाद में आप भूल ही जाओ कि ये स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब क्या है, क्योंकि हम तो जनरली इसको कभी यूज नहीं करते ना। सिमिलरली बच्चों हम नंबर ऑफ डार्क फ्रिंजेस निकाल सकते हैं, ठीक है, उसमें भी बिल्कुल यही लॉजिक है। तो हम इसका डायरेक्ट बस रिजल्ट लिख लेते हैं,
तो इसमें जो टोटल बनेगा वो बनेगा 2 टाइम्स ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ डी बाय लैम्डा प्लस हाफ. और इसमें भी अगर डी बाय लैम्डा प्लस हाफ वाला जो है वो इंटीजर हो तो 2 से माइनस हो जाएगा. यहां बच्चों आप एक बात ये समझ पा रहे हो कि वो +1 वाली टर्म नहीं आई, सिर्फ ग्रेटेस्ट इंटीजर वाली ही आई. ऐसा क्यों? क्योंकि अब सेंटर पे तो है नहीं कोई, है ना? ठीक है, तो ये दोनों रिजल्ट्स आपको याद होने चाहिए विद एक्सेप्शंस. ये क्लियर हो गया बच्चों? ओके okay. तो नेक्स्ट बच्चों हम बात करते हैं शेप ऑफ फ्रिंजेस की. तो बच्चों जैसे मैंने ऊपर फिगर बनाया, हम जनरली या ये आपको दिखाया भी, तो जनरली थोड़े से पोर्शन के लिए अगर हम देखें फिर तो हमें ऐसे स्ट्रेट लाइंस ही नजर आती हैं. बट अगर हम और चौड़ा स्क्रीन रखें, ठीक है, चौड़ा लंबा नहीं, चौड़ा विड्थ वाइज ज्यादा, तो जो फ्रिंजेस हैं वो बेंट होनी शुरू हो जाती है. ठीक है, जैसे आपको इस फिगर में नजर आ रहा है. तो ये जो शेप होती है दिस इज हाइपरबोलिक. ये हाइपरबोलिक ही कैसे आया वो मैथ्स से आता है, बियॉन्ड आवर स्कोप. बट हमें ये बात याद जरूर रखनी है कि जो शेप ऑफ फ्रिंजेस है दैट इज हाइपरबोलिक. तो आप ये बात समझ रहे हो ना बच्चों कि अगर तो कम विड्थ में ही देखें हम तो वो स्ट्रेट लाइंस ही लगती हैं. जैसे जैसे दूर जाते हैं फिर वो फैलनी शुरू होती हैं, फिर नजर आता है कि वो कर्व्ड है. सर यस सर डार्क फ्रिंजिस वाले केस में सर जो डार्क फ्रिंजिस का नंबर आता है सर वो ब्राइट फ्रिंजिस से एक कम नहीं आना चाहिए? नहीं डिपेंड करता वो तो, मतलब ये नहीं पता ना कि अब बिल्कुल स्क्रीन से दूर जाके हो सकता है डार्क वाली बन जाए बट ब्राइट वाली बने ना. मतलब ब्राइट वाली जस्ट एग्जैक्टली इन्फिनिटी पे बन रही हो. जैसे आप डी जैसे जैसे आप डी को 3 लैम्डा पुट करो, तो डी को 3 लैम्डा पुट करके ब्राइट कितनी आएंगी? वो तो सर 7 आ जाएंगी. ना 5 -2 होगा ना, एग्जैक्ट इंटीजर है डी अच्छा बाय लैम्डा. अच्छा हाँ जी हाँ जी लेकिन डार्क निकालो कितनी आई डी को 3 लैम्डा पुट करके. थ्री कितना बाई बना? 3 + 1/2 हो गया ना, 3.5 आ गया अंदर. तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हुआ? 3 हुआ इंटू 2, तो ये 6 बन गई. ठीक है सर. तो बच्चों ये था बेसिक YDSC. नेक्स्ट हम बात करेंगे कि अब हमें यह समझ आ गया कि कैसे इसने वेव नेचर ऑफ लाइट को प्रूव किया. नेक्स्ट हम बात करेंगे कि इसमें क्या क्या वेरिएशंस की जा सकती हैं. जो स्टैंडर्ड अपरेटस है उसमें क्या क्या वेरिएशंस हम कर सकते हैं. तो जो फर्स्ट वेरिएशन है बच्चों वो ये है कि हम पॉलीक्रोमैटिक लाइट यूज करें. पॉलीक्रोमैटिक मतलब
जिसमें मल्टीपल वेवलेंथ्स हैं। तो एक बार सोचो कि अगर हम मल्टीपल वेवलेंथ्स यूज करेंगे तो उससे क्या होना चाहिए। मतलब जो आपकी लाइट है इट हैज ऑल द वेवलेंथ्स रेड ग्रीन ब्लू एटसेट्रा। तो बेसिकली क्या होगा, कुछ नहीं, हर वेवलेंथ का इंडिविजुअल पैटर्न बनता जाएगा। ठीक है, रेड का अपना YDSE बन जाएगा पैटर्न, ग्रीन का अपना बन जाएगा, ब्लू का अपना बन जाएगा एंड सो ऑन। तो मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई कलर्स आपस में एक दूसरे को कोई परेशानी नहीं दे रहे, हर कलर का इंडिविजुअल YDSE पैटर्न बन जाएगा। तो हमारे को स्क्रीन पे क्या नजर आएगा, बेसिकली सबके पैटर्न्स का सुपरपोजिशन। ठीक है, जैसे मान लो आप अलग से रेड का YDSE करा दो, उसके फ्रिंजेस बना दो, फिर अलग से ब्लू का YDSE करा दो, उसके फ्रिंजेस बना दो, और उन सबको एक के ऊपर एक रख दो तो वो बन जाएगा। ठीक है, इन अदर वर्ड्स रेड का जो पैटर्न बन रहा है उसको बाकी वेवलेंथ से कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, वो वैसे ही बनेगा। तो हम क्या कहेंगे कि इंटरफेरेंस पैटर्न ऑन स्क्रीन विल बी सुपरपोजिशन ऑफ पैटर्न्स ड्यू टू इंडिविजुअल वेवलेंथ्स। राइट, अब बच्चों बताओ सेंटर पे क्या होगा। अच्छा बच्चा आप समझ गए होगे, हम दो टर्म्स यूज करते हैं राइट। एक होती है मोनोक्रोमैटिक लाइट, मोनो मतलब सिंगल वेवलेंथ है ना, पॉली मतलब मल्टीपल वेवलेंथ्स। तो एक बार सोचो सेंटर पे क्या होगा बच्चों। तो सेंटर पे तो सबके ब्राइट फ्रिंजेस कोइंसाइड हो जाएंगे, isn't it? तो सेंटर पे वी विल गेट ब्राइट व्हाइट लाइट। ये बच्चों समझ आ रहा है ना सेंटर पे क्या हुआ। ओके, तो अब बच्चों हर किसी के ब्राइट फ्रिंजेस अपने अलग अलग कोऑर्डिनेट्स पे बनेंगे हाँ? तो ऐसा भी हो सकता है कि कहीं पर किसी के ब्राइट फ्रिंजेस आपस में कोइंसाइड कर जाएं, कि ब्लू और ग्रीन के कोइंसाइड कर जाएं या ब्लू और रेड के कोइंसाइड कर जाएं। एक बार सोचो क्या ऐसा पॉसिबल है फ्रिंजेस का, ब्राइट फ्रिंजेस का कोइंसाइड करना। तो कर सकते हैं कैसे, मैंने ये थोड़ी कहा है कि दोनों का सेम एंड वाला कोइंसाइड करे। ऐसा तो हो ही सकता है ना कि एक का पहला और दूसरे का तीसरा आपस में कोइंसाइड कर जाए। तो क्या कंडीशन बन गई कि मान लो ब्राइट फ्रिंजेस हैं लैम्डा वन लैम्डा टू वेवलेंथ के, ये ओवरलैप कर रहे हैं, मतलब दोनों के y कोऑर्डिनेट्स सेम है।
तो क्या कंडीशन हुई? पहले का वाई कोऑर्डिनेट क्या हुआ? एन वन लैमडा वन डी बाई डी, और दूसरे का हो गया एन टू लैमडा टू डी बाई डी। तो बच्चों ऑब्वियसली सेम एन वाले नहीं कर सकते ओवरलैप, बट डिफरेंट एन वाले तो कर सकते हैं ना। सोचो एक बार, तो अगर वो कोइंसाइड करेंगे तो उनके एन के बीच में ये वाला रिलेशन होगा, राइट? सिमिलरली अगर डार्क वाले कोइंसाइड करेंगे तो उनके लिए भी हम बिल्कुल ऐसे ही लिख सकते हैं। तो बच्चों एग्जांपल ट्राई करो।
हुआ बच्चों? करो बच्चों, इसमें क्या मुश्किल है? आदित्य ठीक है, बच्चों। हाँ नितेश ठीक है।
कुछ लोगों ने तो सोचा हुआ है कि है ना 4:30 छोड़नी है क्लास, चाहे खत्म हो चाहे ना हो, छोड़ गए वो। चलो बच्चों करो आंसर। मैंने एक डाउट पूछा था, तो वो बता दो। चैट मतलब आप कह रहे हो कि एक बार निकाल के बस वो कंटिन्यू होता रहे, देखना चाह रहे हो? हाँ जी, हाँ वो हो जाएगा। बच्चों आंसर क्यों नहीं कर रहे हो, हुआ नहीं क्या अभी? निमृत, करमन, मुस्कान, दीपज्योत, तो कैसे करना है भाई ये? हमें क्या पुट करना है? n1 into 3000 इज इक्वल टू n2 into 5000, राइट? तो n1 by n2 क्या हो गया? 5/3। तो हमें क्वेश्चन में कहा है स्मॉलेस्ट, अब वाई स्मॉलेस्ट के लिए क्या मतलब हुआ कि हम n1 को 5 ले लें एंड n2 को 3 ले लें। तो चाहे किसी भी एक से निकाल लो, तो अब जो वाई आ गया वो क्या आ गया? n1 lambda 1 d/d, तो 5 into 3000 angstroms into 1000, तो ये बन जाएगा 1.5 ml। बच्चों समझ आया? समझ आया बच्चों? सर हाँ जी, सेकंड केस के लिए सर n1 और n2 कैसे निकालेंगे सर? सेकंड केस में आप क्या करोगे कि उस केस में आपका बन जाएगा n1 minus half upon n2 minus half is equal to 5/3। अच्छा, डायरेक्टली इसकी वैल्यू यूज कर लेंगे।
हाँ तो आप सीधा कह दोगे कि n1 - 1/2 इज इक्वल टू, फाइव और n2 - 1/2 3 के इक्वल नहीं ऐसे नहीं, एलसीएम ले लो, 2n1 - 1 इज इक्वल टू 5, ये एलसीएम लेंगे तो 2n1 - 1 अपॉन 2n2 - 1 बन जाएगा ना, जी सर। तो ये बन गया 2n1 - 1 इज इक्वल टू 5, 2n2 - 1 इज इक्वल टू 3 इधर से, तो n1 आपका 3 आ गया, n2 2 आ गया, ठीक ठीक है सर, ओके सर। तो उसको बच्चों सॉल्व करोगे यू विल गेट 0.75। चलो अब अगला करो, ये मुझे सबके आंसर चाहिए नहीं तो मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। आपको रिपीट ही करना है सिंपली पिछला क्वेश्चन, बस सिंपल इतनी कंडीशन है कि 5000 की जगह 4000 एंगस्ट्रॉम की लाइट यूज कर ली आपने। आदित्य गलत, बच्चों ये तो आसान है, ये तो कर दो। नहीं अभी भी गलत है, सबका गलत है जिन्होंने अभी तक आंसर किया। क्या कर रहे हो भाई? अच्छा बी पार्ट का ही निकाल रहे हो ना आंसर, डार्क फ्रिंजेस वाला। मैंने बी पार्ट का पूछा बस। हाँ मतलब तो भी गलत है जो आप लोगों ने किया है।
सबका कैसे आ रहा आंसर? मैं तो नहीं कुछ गलत कर रहा। अच्छा चेक करो क्या आपकी एन वन और एन टू दोनों की वैल्यूज आ रही हैं। मुझे एन वन एन टू की वैल्यूज बताना। एन वन क्या आता है आपका बच्चों? हाँ तो मतलब आपने इसको पुट करके तो बच्चों आपका एन वन 2.5 आ रहा है, जिसको आपने पुट करके फिर शायद 0.6 निकाल दिया है ना। नलायकों एन वन पॉइंट्स में आ सकता है? एन वन एन टू तो इंटीजर्स है ना। इसमें थोड़ी लगाना है ग्रेटेस्ट इंटीजर, वो तो सिर्फ उसमें लगना था जहां नंबर ऑफ फ्रिंजेस है। बच्चों आया समझ? इसको जब आप सॉल्व करोगे यू गेट एन वन इक्वल टू 2.5 एंड एन टू इक्वल टू 2। तो एन वन इक्वल टू 2.5 तो पॉसिबल ही नहीं है। तो इसका मतलब इस केस में पॉसिबल ही नहीं है। यहां पे ऐसा कोई केस नहीं बनेगा जहां पे डार्क फ्रिंजेस दोनों की कोइंसाइड करती हो। ठीक है, इसको दूसरे तरीके से भी सोच सकते थे कि अगर मैं लिखता हूं एन वन माइनस हाफ अपॉन एन टू माइनस हाफ, जिसको मैं लिख सकता हूं एज टू एन वन माइनस वन अपॉन टू एन टू माइनस वन, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ऑड नंबर्स बन गए ना। 2n1 माइनस 1 तो ऑड नंबर बनेगा ना हमेशा। तो लेफ्ट हैंड साइड तो ऑड अपॉन ऑड बन गई। वेर एज राइट हैंड साइड में लैम्डा 2 अपॉन लैम्डा 1 में एक लैम्डा इवन है। सोच लो एक बार आराम से। सर सर इस केस में डार्क फ्रिंज बननी तो सर मतलब कोइंसाइड करनी तो चलो नहीं पॉसिबल है, लेकिन सर अगर इंडिविजुअली देखें सर तो सर एन वन 2.5 आ जाए अगर, तो फिर सर वो कैसा केस होगा? है ही नहीं ना कोई केस। एन वन तो आपका इंटीजर है।
तो सर फिर स्क्रीन पे बनेगी ही नहीं। मतलब स्क्रीन पे ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जहां पे दोनों की डार्क फ्रिंजेस कोइंसाइड कर रही हो। मतलब अगर एक की डार्क है तो वहां दूसरे की कुछ ना कुछ तो इंटेंसिटी होएगी ही होएगी। ठीक है सर। एक्सक्यूज मी सर, हमने हाँ जी 5000 वाले को 4000 से रिप्लेस किया है ना, हमने फॉर्मूला से तो बोल दिया, लेकिन अगर हम देखें तो सेंटर पे तो मैक्सिमा ही होता है, सेंट्रल मैक्सिमा। तो फिर अगर हम पहले 4000 वाले के लिए देखें, उसके 0.2 mm पे पहला मिनिमा होगा। मतलब ये वाली बात है मुझे पता नहीं। लैम्डा डी बाई 2 डी से 0.2 mm, दूसरे हाँ ठीक है ठीक का 0.15 पे आता है। है। हाँ तो उस हिसाब से तो पहले के थर्ड और दूसरे का फोर्थ को इंसर्ट कर नहीं जाएगा। नहीं, कुछ गलत कह रहे हो आप। आप क्या कह रहे हो, पहले का कहाँ पे आ रहा है, तीन पॉइंट हजार टू वाले पे? का, हाँ 3000 वाले का 0.15 mm, उससे अगला कहाँ आएगा? 0.3 mm। ना, पॉइंट फोर अच्छा फाइव ठीक आएगा है, ना। मैं ये गलती कर रहा हूँ। ठीक है सर, बच्चा एक केस समझ आ गया, तो मतलब आपको लेफ्ट वाला मुश्किल लगेगा मेथड, दूसरे वाले से ही करो, है ना? अगर आप सॉल्व कर रहे हो और आपका एन इंटीजर ही नहीं आया, तो मतलब उसमें कहीं कुछ, मतलब वो पॉसिबिलिटी ही नहीं है। ठीक है जी। ओके नेक्स्ट बच्चों, हम बात करेंगे इफेक्ट ऑफ स्लिट विड्थ। मतलब जो हमने स्लिट बनाई है, अगर हम उस स्लिट को थोड़ा मोटा कर दें, ठीक है, तो तब क्या होगा? तो बच्चों देखो, बेसिकली स्क्रीन के ऊपर फ्रिंजेस की जो भी इंटेंसिटी बनेगी, वो सीधा सीधा इस पे डिपेंड करती है कि स्लिट्स का कितना एरिया है। क्योंकि जितना एरिया ज्यादा होगा, उतना लाइट ज्यादा आएगी, उतना ही स्क्रीन के ऊपर इंटेंसिटी भी ज्यादा आएगी। ठीक है जी। तो अगर हम स्लिट का एरिया बढ़ाएंगे, तो उतना ही हमारी इंटेंसिटी भी बढ़ जाएगी। तो जैसे अगर हम एक स्लिट को बच्चों डबल विड्थ का कर दें दूसरे से, ठीक है, मान लेते हैं पहले आई ईच था, अब हमने एक को डबल कर दिया, तो मतलब दूसरे की क्या इंटेंसिटी हो जाएगी? अगर एक की इंटेंसिटी आई है, तो दूसरे की विड्थ डबल कर दी, दूसरे की 2i हो गई बच्चों, है ना? तो बताओ अब मैक्सिमम इंटेंसिटी कितनी बन गई? जो बच्चों मैक्सिमम इंटेंसिटी, पहले 4i थी, अब कितनी हो जाएगी? अगर एक की इंटेंसिटी आई हो गई, दूसरे की 2i हो गई,
तो कैसे निकालोगे, है ना, बस आई प्लस रूट टू आई का होल स्क्वायर हो जाएगा, इजंट इट? जो कि 4i से तो ज्यादा हो गया, ये ओवरऑन बव है, आपने ऐसे ही लिखा है ना, इसी की वैल्यू लिखी है ना, सिमिलरली बच्चों डार्क फ्रिंज की इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, आई माइनस रूट टू आई का होल स्क्वायर, तो ये भी अब जीरो से ज्यादा हो गई, है ना, पहले तो डार्क फ्रिंज की इंटेंसिटी जीरो ही थी, अब वो जीरो नहीं रही, तो बेसिकली हम क्या कह सकते हैं कि एक तरीके से क्या हो गया कि अगर हमने स्लिट को डबल कर दिया राइट तो ब्राइट फ्रिंजेस ब्राइटर हो गए और जो डार्क फ्रिंजेस हैं वो भी ब्राइटर हो गए, इजंट इट? तो ये ध्यान रखना एकदम माइंड में आता है कि ऐसा लगता है कि बोलने में कि ब्राइट ब्राइटर है तो डार्क डार्कर हो गया होगा, तो डार्क तो पहले जीरो था तो वो और उससे डार्क क्या होगा, राइट right? क्लियर हो गया है बच्चों? तो मतलब सीधी सी बात यह है कि स्लिट विड्थ को हम जो भी चेंज करेंगे, मतलब उसके एरिया को या जो भी, उसी हिसाब से बस इंटेंसिटी में चेंज आ जाएगा और उससे आप रिजल्टेंट इंटेंसिटी निकाल सकते हो। ओके नेक्स्ट बच्चों, जो हम वेरिएशन कर सकते हैं वाईडीएससी में वो है कि अगर हम मीडियम चेंज कर दें, तो अगर हम सारे के सारे एक्सपेरिमेंट को किसी और मीडियम में करें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन वाले, तो क्या हो जाएगा? बेसिकली जो वेवलेंथ है वो लैम्डा बाय एन हो जाएगी, है ना, हमें पता है कि मीडियम चेंज करते हैं तो उससे वेवलेंथ चेंज हो जाएगी, तो बस हमारे जिस जिस फॉर्मूला में जहां जहां लैम्डा आएगा वहां वहां पे लैम्डा अपॉन एन डल जाएगा। राइट तो फ्रिंज विड्थ बच्चों कम हो जाएगी, क्योंकि लैम्डा कम हो गया तो फ्रिंज विड्थ भी कम होगी, है ना, सिमिलरली एंगुलर फ्रिंज विड्थ भी कम हो जाएगी। तो बच्चों हम एक तरीके से क्या कह सकते हैं कि पैटर्न को क्या हुआ, क्या चेंज आया पैटर्न में,
मतलब जो पैटर्न है वो कंप्रेस हो जाएगा है ना, क्योंकि फ्रिंज विड्थ छोटी हो गई। समझ आ रहा है बच्चों? ओके चलो ठीक है बच्चों, दैट्स इट। आपने बच्चों होमवर्क में अब बी और सी पार्ट्स कंप्लीट कर लेने हैं, ठीक है? सर एक्सरसाइज 2 कब डिस्कस होगी रे ऑप्टिक्स की? एक्सरसाइज 2 अभी तो नहीं कर सकता मैं। चलो मैं मैसेज करता हूँ, ठीक है उसको। हाँ आई नो आज का बोला था मैंने, बट हाँ जी सर जो हमने वो केस किया था कि जिसमें डार्क फ्रिंजेस बनेंगी नहीं, कोइंसाइड नहीं होगा सर, तो सर उसमें मतलब डार्क फ्रिंजेस बनेंगी ही नहीं कि हर सारी प्लेट मतलब सारी नहीं स्क्रीन नहीं ब्राइट होगी? हाँ मतलब हाँ सारी प्लेट पे कुछ ना कुछ तो होएगी लाइट, कहीं पे प्योरली डार्क फ्रिंज नहीं बनेगी। वो कम ज्यादा होती रहेगी लेकिन होएगी सभी? हाँ। ठीक है सर। तो बच्चों वो सैटरडे को रखेंगे, ठीक है? मैं मैसेज करूंगा आपको एक्सरसाइज 2 को। चलो ओके बच्चों, बाय।